हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज देखिए, मैं ये पोंचो बनाकर लाई हूँ और ये पोंचो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए, मैंने ये टू कलर में बनाया है। पफ स्टिच डिज़ाइन डाला है मैंने इसमें। ये बनाया है मैंने 2 से 3 ईयर्स बेबी गर्ल्स के लिए। अब आपको मैं इसकी लेंथ बता देती हूँ कि इसकी लेंथ मैंने कितनी रखी है। देखिए, इसकी लेंथ रखी है मैंने 39 सेंटीमीटर। 39 सेंटीमीटर मैंने इसकी ये लेंथ रखी है। ये इसका मेज़रमेंट हो गया है और इसमें टोटल वूल लगी है 250 ग्राम। 250 ग्राम इसके लिए आप वूल ले लें, 100 ग्राम लें क्रीम कलर और 150 ग्राम आप ये ग्रीन कलर लें और 4 मिलीमीटर का क्रोशिया हुक ले। ये आपको इतना लेना है। अब मैं पोंचो को बुनती हूँ। देखिए, अब मैं पोंचो को बनाती हूँ। इस तरह से हम पोंचो को बनाएंगे। सबसे पहले मैं ये नोट बांधूँगी। इस तरह से मैंने ये नोट बांध ली है। अब नोट बांधने के बाद इसमें मैं 86 चेन डालूँगी। 86 चेन, देखिए। किस तरह से चेन को डालना है। देखिए, इस तरह से मैंने ये 86 चेन डाल दी है। इस तरह से ये चेन बनकर आई है और इसकी चेन की लेंथ रखी है मैंने ये 17 इंच। मैंने ये इसकी लेंथ रखी है 17 इंच। इसकी मैंने ये लेंथ रखी है। अब देखिए, स्लिप स्टिच लेते हुए मैं चेन को ज्वाइन कर दूंगी। चेन को ज्वाइन करना है। देखिए, इस तरह से मैं चेन को ज्वाइन करूंगी। इस तरह से मैंने चेन को ये ज्वाइन कर दिया है और चेन इस तरह से ये आ गई है। देखिए, काफ़ी लूज है। 17 इंच चेन है ये। अब देखिए, इस चेन को मैं हाफ करूंगी। 43 इधर रखने हैं, 43 इधर रखने हैं। टोटल हो जाएंगे ये 86। तो देखिए, मैं काउंट करके मार्क लगाती हूँ। मार्क लगाना है। यहाँ पर मार्क लगाना है। अब देखिए, चेन को मैंने हाफ कर दिया है। काउंट करके मार्क लगा दिया है। 43 इधर हैं, 43 इधर हैं। अब देखिए, इसमें मैं पोंचो में डिज़ाइन डालती हूँ। डिज़ाइन को डालना है। देखिए, इस तरह से मैं डिज़ाइन को डालती हूँ। डिज़ाइन को डालना है। 1, 2, 3, 3 की चेन और डबल क्रोशिया। इसमें ही डबल क्रोशिया डालना है। 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया। देखिए, टोटल हो गए हैं ये 3 डबल क्रोशिया। 1, 2, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो गए हैं ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1, 2, 2 की चेन और नीचे से 1, 2, 2 चेन को स्किप करना है और 3rd चेन में भी स्टिच डालना है। 1 डबल क्रोशिया, 1, 2, 2 की चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है। देखिए, बी स्टिच मैंने ये डाल दिया है। अब 1, 2, 2 की चेन और नीचे से भी 2 चेन को स्किप करना है। 1 और एक ये 2
वो थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। इस तरह से यहाँ पर ये मैंने सिंगल क्रोशिया डाल दी है, देखिए। फिर वन टू, टू की चेन और वन टू, टू चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में बी स्टिच डालना है। इस तरह से बी स्टिच डालना है, टू की चेन और फिर इसी में ही डबल क्रोशिया। ये मैंने बी स्टिच डाल दिया है, देखिए सिंगल क्रोशिया बी स्टिच, वन टू, टू चेन लेना है और नीचे से टू चेन को स्किप करना है, वन और एक ये टू, और यहाँ से थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। इस तरह से वन टू, टू की चेन और नीचे से वन टू, टू चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में बी स्टिच डालना है। डबल क्रोशिया डाला, फिर टू की चेन और फिर इसी में ही डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है, देखिए इसी तरह से बुनना है। टू चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से मैं इसमें डिज़ाइन डाल रही हूँ। अब देखिए ये मार्क आ गया है वन टू, टू की चेन और यहाँ पर मैं सिक्स डबल क्रोशिया डालूंगी। यहाँ पर मैं सिक्स डबल क्रोशिया डालूंगी। थ्री डबल क्रोशिया, वन टू, टू की चेन और थ्री डबल क्रोशिया, देखिए एक ये फ्रंट में आएंगे और एक ये बैक में आएंगे सिक्स डबल क्रोशिया। इसमें मैंने ये टू कॉर्नर बनाए हैं, टू कॉर्नर बनाए हैं इसमें मैंने, ये देखिए एक ये और एक ये, यही से ही पोंचो आगे को बढ़ेगा। देखिए वन टू, टू की चेन, टू चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में बी स्टिच डालना है। इस तरह से वन टू, टू की चेन और डबल क्रोशिया, इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है। देखिए जैसे मैंने इधर की रो बनाई थी, देखिए जैसे मैंने ये इधर से बुना है वैसी मैं इधर से बुनूंगी। सिंगल क्रोशिया बी स्टिच, सिंगल क्रोशिया बी स्टिच, ऊपर से टू की चेन लेना है, नीचे से टू चेन को स्किप करना है। देखिए इस तरह से मैं इधर की साइड भी बुनूंगी, बी स्टिच डालना है, वन और एक ये टू, फिर इसी तरह से बी स्टिच डालना है। वन और एक ये टू। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी यहाँ पर, ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना इस तरह से, देखिए ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है और देखिए इसमें बी स्टिच हो गए हैं। इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिए हैं, देखिए कितने बी स्टिच डले हैं, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन बी स्टिच इधर हैं और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन बी स्टिच इधर हैं, टोटल इसमें फोर्टीन बी स्टिच हैं। और बीच में यहाँ कॉर्नर पर एक ये कॉर्नर फ्रंट में आएगा और एक ये बैक में आएगा, तो यहाँ पर सिक्स डबल क्रोशिया। अब देखिए मैं डिज़ाइन को डालती हूँ, डिज़ाइन को डालना है, वन टू थ्री, थ्री की चेन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया और एक ये टू डबल क्रोशिया, टोटल हो गई है थ्री डबल क्रोशिया, टू की चेन और थ्री डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये सिक्स डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए वन टू,
टू की चेन और यहाँ पर मैं पप स्टिच डालना है वी स्टिच में, यहाँ पर देखिए इस तरह से ये वी स्टिच है और यहाँ पर इस तरह से मैं पप स्टिच डालूँगी। देखिए वन टू और एक ये थ्री, देखिए इस तरह से मैं ये मैंने पप स्टिच डाल दिए हैं तीन बार थ्री बार। अब इस तरह से इनको बुनना है, इस तरह से मैंने ये पप स्टिच डाल दिया है बी स्टिच के डबल क्रोशिया में। अभी यहाँ पे डालना है बी स्टिच में जहाँ पर मैंने ये टू की चेन बनाई है सिक्स डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन थ्री डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये सिक्स डबल क्रोशिया। देखिए ये थ्री, देखिए इस तरह से अब देखिए फिर इसी तरह से यहाँ पर बी स्टिच के डबल क्रोशिया में पप स्टिच डालना है, यहाँ पर इस तरह से डालना है वन टू और एक ये थ्री, देखिए और इस तरह से बुनना है। देखिए इस तरह से मैंने ये बी स्टिच में डिज़ाइन डाल दिया है, देखिए यहाँ पर पप स्टिच डाले हैं और बीच में मैंने ये सिक्स डबल क्रोशिया डाले हैं। इसी तरह से फिर डालना है, यहाँ पर भी डालना है बी स्टिच में वन टू और एक ये थ्री, थ्री मैंने ये पप स्टिच ले लिए हैं और फिर इस तरह से बुनना है। देख अभी यहाँ पर डालना है बी स्टिच में सिक्स डबल क्रोशिया, सिक्स डबल क्रोशिया डालना है बी स्टिच में टू और एक ये थ्री, टोटल हो जाएंगे ये सिक्स डबल क्रोशिया, देखिए थ्री। अब देखिए मैं यहाँ पर फिर पप स्टिच डालूँगी वन टू और एक ये थ्री, देखिए इस तरह से इसको बुनना है, देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा। अब फिर से इसी तरह से बी स्टिच में पप स्टिच डालना है वन टू थ्री, इस तरह से फिर बुनना है और यहाँ पे डालना है सिक्स डबल क्रोशिया वन टू थ्री, फिर वन की चेन और थ्री डबल क्रोशिया टू और एक ये थ्री, देखिए मैंने सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से डिज़ाइन आ रहा है। अब देखिए वी स्टिच में मैं इसमें फिर से पप स्टिच डालूँगी वन टू और एक ये थ्री, फिर इनको बुनना है इस तरह से, देखिए बुना गया कि बहुत ही सुंदर लग रहा है इसमें ये डिज़ाइन। देखिए पप स्टिच मैंने डाल दिए इसी तरह से डालना, अब फिर ये बी स्टिच आ गया है, फिर से मैं यहाँ पर पप स्टिच डालूँगी वन टू और एक ये थ्री, इस तरह से बुनना है, फिर यहाँ पे डालूँगी मैं सिक्स डबल क्रोशिया वन टू थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन थ्री डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये सिक्स डबल क्रोशिया,
देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए बी स्टिच में। अब डालूंगी मैं पप स्टिच, देखिए यहाँ पर 1, 2 और एक ये 3, इस तरह से बुनना है। एक साथ मैंने इनको बुन दिया इस तरह से, देख इस तरह से आ रहा है, देख डिजाइन इस तरह से आ रहा है। अब देखिए 1 और 1 ये 2 की चेन। अब यहाँ पे डालूंगी मैं 6 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1, 2 की चेन लेना है, ये मैंने 2 की चेन ले ली है। अब यहाँ पर फिर इसी तरह से बी स्टिच में पप स्टिच डालना है, 1, 2 और 1 ये 3, देख और एक साथ निकालना है इन्हें। यहाँ पे डालना है 6 डबल क्रोशिया, और अब यहाँ पर डालूंगी मैं पप स्टिच बी स्टिच में 1, 2 और 1 ये 3 7 धागे ये हो गए हैं। अब इस तरह से बुनना एक साथ, देखिए इसी तरह से बुनते हुए रो को कंप्लीट करना है। जैसे मैंने ये इधर की साइड बनाई है वैसी मैं अब इधर की साइड भी बनाऊंगी। देखिए बी स्टिच में पप स्टिच डालना है इस तरह से, 1, 2 और 1 ये 3 और एक साथ इनको निकाल देना इस तरह से बुनना है। और यहाँ पर डालना है बी स्टिच में 6 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 वन चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया ये हो जाएंगे। इस तरह से मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए बी स्टिच में फिर से पप स्टिच डालना है, 1, 2 और 1 ये 3 देख और इस तरह से बुन देना। अब 1, 2 की चेन। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी, ये मैंने ज्वाइन कर दिया है स्लिप स्टिच लेते हुए, और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है इस तरह से, मैंने आगे को ये बढ़ा दिया है और इस तरह से ये सेकंड रो बनकर आ गई है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर आ गया है, देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा और देखिए इस तरह से ये पोंचो का गला है, देख। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। नेक्स्ट रो बनाना है, देखिए 1, 2, 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, 1, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और 1 ये 3। देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। यहाँ पर देखिए 6 डबल क्रोशिया ही डालेंगे आगे तक कॉर्नर पर, एक ये फ्रंट में आएगा और एक ये बैक में आएगा, तो 6 डबल क्रोशिया ही यहाँ पर डालने हैं। 1, 2 की चेन और यहाँ पर देखिए मैं बी स्टिच डालूँगी यहाँ पर, तो देखिए इस तरह से बी स्टिच को डालना है, देखिए यहाँ पर
वन डबल क्रोशिया, देखिए वन टू, टू की चेन और ये वन डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है। देखिए यहाँ से मैंने ये इंक्रीज कर दिया है, देखिए पोंचो यहीं से ही आगे को बढ़ेगा, इधर से इंक्रीज होगा, इधर से होगा और फिर यहाँ से होगा, इसी तरह से आगे को इंक्रीज करना है, इसी तरह से इंक्रीज होते हुए आगे को ये बुना जाएगा। अब वन टू, टू की चेन और यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया लूँगी इस तरह से, देखिए सिंगल क्रोशिया ले ली है मैंने इस तरह से, फिर वन टू, टू की चेन और यहाँ पर डालना है वी स्टिच, देखिए इस तरह से वी स्टिच डालना है, डबल क्रोशिया, टू की चेन और डबल क्रोशिया, इस तरह से मैंने ये वी स्टिच डाल दिया है। देखिए फिर वन टू, टू की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बुनना है, ये जो मैंने सिक्स डबल क्रोशिया डाले थे इसके बीच में। अब वन टू, टू की चेन और यहाँ पर फिर बी स्टिच डालना है, वन डबल क्रोशिया, टू की चेन और वन डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है, यहाँ पर इस तरह से बी स्टिच डालने हैं। वन टू, टू की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना है इस तरह से, फिर वन टू, टू की चेन और यहाँ पर फिर वी स्टिच डालना है, टू की चेन और डबल क्रोशिया, इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है। वन टू, टू की चेन और यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया, देखिए इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी बी स्टिच डालते हुए, बी स्टिच और सिंगल क्रोशिया, बी स्टिच और सिंगल क्रोशिया, इस तरह से डालना है। देखिए वन टू, टू की चेन यहाँ पे डालना है अब सिंगल क्रोशिया, वन टू, टू की चेन, अब देखिए यहाँ पर मैं बी स्टिच डालूँगी, यहाँ पर बी स्टिच को डालना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैंने ये इंक्रीज कर दिया है बी स्टिच को, बी स्टिच को मैंने बढ़ा दिया है, इधर भी बढ़ाया था मैंने, देखिए और इधर भी बढ़ाया था। अब टू की चेन और यहाँ पे डालूँगी मैं सिक्स डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, फिर वन टू, टू की चेन और थ्री डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये सिक्स डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से मैंने ये सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। वन टू, टू की चेन, अब देखिए मैं यहाँ पर भी स्टिच को इंक्रीज करूँगी, यहाँ पर मैं इंक्रीज करूँगी, तो देखिए यहाँ पर करना है वन डबल क्रोशिया, वन टू, टू की चेन और वन डबल क्रोशिया, इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है। देखिए देखिए इधर भी मैंने बी स्टिच डाल दिया और इधर भी इंक्रीज कर दिया है, और पोंचो यहीं से ही आगे को बढ़ेगा इंक्रीज करते हुए, यहाँ पर करना है फिर इंक्रीज, फिर यहाँ पर, इसी तरह से आगे को बढ़ेगा दोनों साइड से, इधर से भी यहाँ पर इंक्रीज करना है फिर, और ये मैंने ये कर दिया है, और फिर अब मैं यहाँ पर भी करूँगी, तो दोनों तरफ से पोंचो आगे को बढ़ेगा, यहाँ से इंक्रीज करते हुए पोंचो आगे को बढ़ता है। देखिए इधर की साइड भी मैं इसी तरह से बुनूंगी जैसे मैंने ये इधर की साइड बनाई है, वी स्टिच और सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से मैं रो को ये बना रही हूँ। अब वन टू, टू की चेन, अब देखिए यहाँ पर मैं बी स्टिच को इंक्रीज करूँगी, यहाँ पर मैं बढ़ाऊँगी बी स्टिच को, तो देखिए यहाँ पर मैं बी स्टिच डाल रही हूँ इस तरह से, देखिए वन डबल क्रोशिया, टू की चेन और वन डबल क्रोशिया, इसी में ही डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये बी स्टिच को इंक्रीज कर दिया है, इधर भी कर दिया था, इधर भी,
अब वन टू, टू की चेन। अब इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। यहाँ पर ज्वाइन करना है, देखिए इस तरह से मैंने स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दिया है, और स्लिप स्टिच लेते हुए मैं आगे को बढ़ाऊँगी इस तरह से, और ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। देख इस तरह से बनकर आ गई है ये रो, देख डिज़ाइन इस तरह से ये आ रहा है। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। वन टू थ्री, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया डालने हैं इसमें, सिक्स डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, वन टू, टू की चेन और थ्री डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये सिक्स डबल क्रोशिया। देखिए मैंने थ्री डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, वन टू, टू की चेन। देखिए जिस तरह से मैंने ये पफ स्टिच डाले हैं, इस तरह से डिज़ाइन डाला है, वैसे ही मैं इसमें रिपीट कर रही हूँ, इसी तरह से ये डलेगा। मैंने ये टू की चेन बना ली है, अभी यहाँ पर पफ स्टिच डालूँगी, वन टू और एक ये थ्री, देखिए ये हो गए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन धागे हो गए हैं, और इस तरह से इनको बुनना है। ये मैंने पफ स्टिच डाल दिया है, देखिए अब डालूँगी बी स्टिच में सिक्स डबल क्रोशिया, वन टू और एक ये थ्री, थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये सिक्स डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं बी स्टिच में पफ स्टिच डालूँगी, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया और एक ये थ्री डबल क्रोशिया, इस तरह से मैंने ये पफ स्टिच डाल दिया है और एक साथ बुनना है। देखिए इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन डाल दिया है, देखिए जैसे मैंने ये डिज़ाइन डाला था वैसे मैं ये डाल रही हूँ। देखिए रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। पफ स्टिच डालना है टू थ्री इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर मैं डालूँगी सिक्स डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, वन की चेन और थ्री डबल क्रोशिया, टू और एक ये थ्री, हो गई ये सिक्स डबल क्रोशिया। फिर ये यहाँ पर पफ स्टिच डालना है, वन टू और ये थ्री, देखिए और एक साथ बुनना है। देखिए इसी तरह से मैं ये डिज़ाइन को डाल रही हूँ जैसे मैंने ये डाला था, और आगे को मैं इसी तरह से बुनूँगी, आगे को मैं इसी तरह से रिपीट करते हुए डिज़ाइन को बुनूँगी। इस तरह से पफ स्टिच डालना है, ये मैंने पफ स्टिच डाल दिया है देखिए, और वन टू, टू की चेन। अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। ये रो भी अब मैंने कंप्लीट कर दी है, देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए जैसे मैंने ये सेकेंड रो बनाई थी वैसे मैंने ये रो भी बना दी है। देखिए पफ स्टिच डाले हैं मैंने इसमें ये, देख देखिए इस तरह से ये गला आएगा पोंचो, और आगे को इसी तरह से बढ़ता जाएगा ये। अब देखिए मैं इसकी आपको नेक्स्ट रो बना कर दिखाती हूँ, फिर मैं आगे को ऑफ कैमरा बुनूँगी। मैंने ये पूरा आपको बता दिया है किस तरह से बुनना है। देखिए इस तरह से मैं बुनूंगी। वन टू और ये थ्री, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए टू डबल क्रोशिया,
टोटल होगा ये 3 डबल क्रोशिया, 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं मैंने अब ये। अब 1 2 की चेन, अब देखिए यहाँ पर मैं बी स्टिच को इंक्रीज करूँगी, यहाँ पर बी स्टिच को इंक्रीज करना है इस तरह से, बी स्टिच डालना है, देखिए इस तरह से मैंने ये बी स्टिच को यहाँ पर इंक्रीज कर दिया था, यहाँ पर किया था, अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ। इसी तरह से ये आगे को पोंचो बढ़ेगा, 1 2 की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 1 2 की चेन और भी यहाँ पर डालूँगी मैं बी स्टिच। देखिए इसी तरह से मैं अब इसको बुनूँगी, इसी तरह से आगे को बुनना है और फिर मैं ये वाला डिज़ाइन डालूँगी बी स्टिच के अंदर, फिर मैं ये बी स्टिच डालूँगी, फिर मैं डिज़ाइन डालूँगी, इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट करूँगी। आगे को मैं इसी तरह से कंप्लीट करते हुए बुनूँगी, 1 2 की चेन। अब देखिए मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से, और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाऊँगी इस तरह से, मैंने आगे को बढ़ा दिया है। और देखिए नीचे से ये पोंचो मैंने कंप्लीट कर दिया है, नीचे से पोंचो को मैंने कंप्लीट कर दिया है। देखिए अब नीचे से मैं नहीं बुनूंगी, इतना ही पोंचो रखना। इस तरह से देखिए डिज़ाइन आया है, ये देखने में बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आया है। अब देखिए मैं गले का बॉर्डर बना देती हूँ इसके, तो गले का बॉर्डर बनाती हूँ मैं। बन और एक ये 2 की चेन और हाफ डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालना है। हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना इस तरह से, इस तरह से आएंगे ये हाफ डबल क्रोशिया। देख पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करना है हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए। देख इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया डाले हैं मैंने। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी, ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से ये गले का बॉर्डर आ रहा है। देखिए अब इसकी मैं सेकंड रो बनाती हूँ, सेकंड रो बनानी है। 1 2 की चेन
और देखिए हाफ डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से। बीच आ गया है गले का। अभी यहाँ पर मैं देखिए हाफ डबल क्रोशिया लिया इधर से भी और इधर से भी हाफ डबल क्रोशिया लिया। ये हो गए हैं 1 2 3 4 5 और एक साथ बुन देना है। यहाँ पर मैंने बन बना दिया है, डिक्रीज कर दिया है। यहाँ पर मैंने 2 का बन बना दिया है गले की शेप लाने के लिए। गले की शेप लाने के लिए मैंने ये डिक्रीज किया है। यहाँ पर बन हाफ डबल क्रोशिया को मैंने गले की शेप लाने के लिए डिक्रीज किया है। यहाँ पर दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से डिक्रीज करूँगी। बुनते हुए जाना है हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ से भी मैं डिक्रीज करूँगी। बैक साइड आ गई है पोंचो की। अभी यहाँ से भी मैं 1 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। देखिए इस तरह से मैंने ये 2 हाफ डबल क्रोशिया ले लिए हैं। अब इनको मैं बुनती हूँ इस तरह से। मैंने यहाँ से 1 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। हाफ डबल क्रोशिया डालना इस तरह से। देखिए अब मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। ये सेकंड रो भी अब मैंने कंप्लीट कर दी है। इस तरह से मैंने इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दिया है। देखिए सेकंड रो इस तरह से आ गई है ये बनकर। इस तरह से गले का बॉर्डर बन रहा है। अब देखिए इसकी मैं नेक्स्ट रो बनाती हूँ, तीसरी रो। 1 और एक ये 2 की चेन और हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है, डिक्रीज करते हुए बुनना है। इस तरह से मैं हाफ डबल क्रोशिया ये डाल रही हूँ। देखिए अब ये फ्रंट साइड आ गई है। अब यहाँ से मैं डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। देखिए 1 हाफ डबल क्रोशिया, देखिए 1 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए ये हो गए 1 2 3 4 5। अब एक साथ बुन देना है। देखिए यहाँ से मैंने 1 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। इसी तरह से बुनना है। देखिए अब ये गले की बैक साइड आ गई है। अब यहाँ पर मैं डिक्रीज करूँगी हाफ डबल क्रोशिया को। ये मैंने हाफ डबल क्रोशिया लिया और फिर इसको नहीं लेना है, आगे से लेना है। देखिए हाफ डबल क्रोशिया ये हो गए 5 और एक साथ बुन देना है। देखिए इस तरह से मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है, 1 हाफ डबल क्रोशिया को। अब हाफ डबल क्रोशिया लेते हुए बुनना है इस तरह। देखिए इस तरह से आ गया है। हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए इस तरह से बुनना है। देखिए ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। अब देखिए इसकी मैं लास्ट रो बनाऊंगी और इसमें ग्रीन कलर लगाऊंगी। ग्रीन कलर लगाना है।
ग्रीन कलर से बुनना है। वन और एक ये टू, टू की चेन और सिंगल क्रोशिया, ठीक है, सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है इस तरह से। सिंगल क्रोशिया लेते हुए रो को कंप्लीट करना है इस तरह से, पूरी रो में सिंगल क्रोशिया डालने हैं, सिंगल क्रोशिया डालना इस तरह से। देखिए ये सेंटर आ गया है, अभी यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया डालूँगी, फिर आगे वाले में भी डालूँगी इस तरह से। ये हो गए हैं थ्री, और इस तरह से मैंने इसको बुन दिया तीनों को, इसी तरह से सिंगल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। देखिए अब देखिए ये बैक साइड आ गई है गले की, अब यहाँ से मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी, फिर यहाँ पर भी मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी, और ये हो गए थ्री, और एक साथ बुन देना है। देख यहाँ से इस तरह से मैंने ये डिक्रीज कर दिया। देख इस तरह से ये आ गया है यहाँ। अभी गले का बॉर्डर भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से। मैंने इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन करना है इस तरह से। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है और धागे को मैं कट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से अब मैंने ये गले का बॉर्डर बना दिया है। देखिए ये बैक से आया है और ये फ्रंट से, हाफ डबल क्रोशिया डाले हैं मैंने इसमें और लास्ट में सिंगल क्रोशिया, और इस तरह से ये बन गया है। देखिए नीचे से इस तरह से आया है बनकर। अब ये पोंचो कंप्लीट हो गया है। देखिए आप मेरे को कमेंट में बताइए, लिखिए कि ये पोंचो आपको कैसा लगा, इसका डिज़ाइन आपको कैसा लगा। देखिए ये पोंचो अब मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।